ताओ के वेरिएशन थीम है कौन सी? तो हमने कलर और साइज दिया हुआ था, अब इसमें बहुत सी आइटम्स हैं, कलर लेंथ है, वेट है, खाली वेट दिया तो वो कर दें, डिस्प्ले हाइट दी हुई है तो वो कर दें, साइन साइज और सेंट दिया हुआ है कि कौन सी फ्रेगरेंस है, जैसे परफ्यूम्स होते हैं वो आप दिया हुआ तो वो कर दें, मतलब फिर आपने मटेरियल और हाइट दी हुई है तो वो वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, यानी कि जो भी आपका दिल करता है वो कर सकते हैं। हमने कलर और साइज दिया तो हम कलर और साइज यहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है ये अपडेट एंड ये वाला। अब तीन ऑप्शन हैं इसमें, अपडेट, पार्शियल अपडेट और ये डिलीट। अगर तो आपकी नई लिस्टिंग है, ऐसी लिस्टिंग जो पहले नहीं लगी, आप नई अपने अकाउंट में लगा रहे हैं, तो आपने इसमें अपडेट पे क्लिक करना। अगर तो आपकी पहले से लगी हुई लिस्टिंग्स हैं और उनको आप एडिट कर रहे हैं, तो आपने पार्शियल अपडेट पे क्लिक करना। और अगर आप किसी ऐसी लिस्टिंग में जा रहे हैं कि जो अब आप नहीं रखना चाहते और आप उसको डिलीट करने जा रहे हैं, तो डिलीट सिलेक्ट कर देना है, और जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको ये हमने काम करना है। तो मैं नई लिस्टिंग में जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने सारे को अपडेट पे लगा दिया, ठीक है। तो पार्शियल अपडेट मतलब एडिट होता है, इस अपडेट का मतलब न्यू होता है, और डिलीट तो डिलीट होता है। यहाँ तक सब ओके है ना सर? पार्शियल एडिट का मतलब एडिट होता है, पार्शियल अपडेट का मतलब कि आपकी लिस्टिंग लगी हुई है उसमें, लेट सपोज आपने टाइटल को एडिट करना है, उसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उसके टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे, वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप उस जिस भी वेरिएशन को करना चाह रहे हैं बाकी वहाँ पे आप उसको पार्शियल अपडेट करें और उसमें एडिट करके इस टेम्पलेट को वापस अपलोड करें, तो 15 मिनट के बाद आपकी वह चीज़ एडिट हो जाएगी। सही है, ये होता है, लेकिन ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहीं पे ऑप्शन होती है, आप ऑनलाइन ही एडिट कर लो, 15 मिनट के बाद वैसे ही हो जाती है, इतना ज़रूरी नहीं है ये वाला। जी जी, कौन क्या कहना चाह रहा है? अच्छा जी, ये हो गया, चलें आए चलते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन का हमने ये पढ़ा था कि डिस्क्रिप्शन तीन तरह की होती है, एक सिंपल होती है, एक HTML टैग्स वाली होती है, और एक A+ कंटेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम सिंपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप मुझे ये बता दें कि अगर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज के लिए और ये नीचे वाले कलर के लिए, क्या मेरी डिस्क्रिप्शन सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी सर, सेम होगी, सेम होगी, चेंजेस होंगी नहीं, सेम होगी। ठीक है, मदर भाई क्या कहते हैं? सर चेंज होगी, और अगर सर आपने प्राइसेस चेंज किया है और आप बीच में डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब कहीं किस जगह पे आप सर दो पीसेस में दे रहे हैं चीज, कहीं सिंगल पीस में दे रहे हैं, तो फिर तो लाजमी चेंज होगी सर। सही हो गया सर, लेकिन अगर फीचर्स की बात हो तो वो तो सबकी सेम ही होगी ना। बिल्कुल ठीक, वैलिड पॉइंट है ये भी। अच्छा, तो अब फरहान क्या कहते हो आप इस बारे में? फरहान, चलो ठीक है, रिमशा आपको ओके है? यस सर, क्लियर है। क्या ओके है, क्या क्या समझ आए, सेम होगी या डबल होगी, क्या चेंज होगी? सर वो हमारी वेरिएशन पे डिपेंड करेगा, अगर हमारी स्मॉल, मीडियम, लार्ज में हमने किए होंगे, अगर फीचर एक जैसे होंगे, जैसे वो भी किसी ने बोला, तो हमारी सेम होगी उस लिहाज से। वैसे अगर वेरिएशन साइज स्मॉल साइज या पीसेज में जैसे मदर भाई ने बताया वैसे होगी, तो हमारी चेंज होगी, ऐसे ही है ना सर? ये तो मैंने आपसे पूछा, मतलब क्या बात है, आप ये आप कहती हैं ये ऐसे होगा, लेकिन समझ नहीं आया, अब आप बता दो मैंने बताया क्या। वाह वाह वाह, क्या बात। नहीं, मैं ये क्लियर करूं कि मुझे यही समझ आया, आप मतलब ऐसे ही है ना? नहीं, आपके जो मासूमाना सा आखिरी कमेंट था ना, उस पे मैंने ये किया। अच्छा,
आपको ये समझ आया है कि वेरिएशन अगर चेंज हो रही है, हर वेरिएशन की अलग डिस्क्रिप्शन होगी, यही बात है सर? लास्ट में कलर और साइज जो है ना वो चेंज होगा बस, बाकी तो सेम ही होगा ना? वही तो, फीचर्स तो सेम होंगे, बाकी कलर साइज और फिर जितना आपका जितने क्वांटिटी है वो सारी चीजें तो वो फिर उसमें चेंज होगी। मैं डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के 2000 करेक्टर होते हैं, उस डिस्क्रिप्शन की जो यहाँ पे लिखी हुई होती है इसके एंड पे, ये वाली, ये जो डिस्क्रिप्शन इस बंदे ने लिखी हुई है ये। हाँ जी सर, वैसे रिमचा है बहुत तेज, जो भी कोई बंदा बात करते है एक मिनट में उधर ही हो जाती है। अभी जानदेव भाई ने कहा कि फीचर सेम होंगे तो कलर और वो साइज चेंज होगा तो डिस्क्रिप्शन इस मद में चेंज होगी, फिर उन्होंने कहा जी जी मैं ये कह रही बिल्कुल ठीक है। अब मदर रिमशा आप क्लियर करो और मदर भाई आप क्लियर करें और जानदेव भाई आप क्लियर करें। अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन लगी हुई है 2000 करेक्टर की, ये हर वेरिएशन की अलग होगी, ठीक है ना? यही बात है ना जी? ये वाली डिस्क्रिप्शन अलग होगी। मेरा पॉइंट ये है कि सेम होगी, ठीक है। ये कौन से वाले भाई का पॉइंट है? असद भाई, असद दानियाल का। तो सर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप प्राइस चेंज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, आपकी बेशक थोड़ी बहुत उसमें सिमिलरिटी है और कुछ नहीं है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे। क्यों डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे? तभी कस्टमर को पता चलेगा ना कि $150 की है, $200 की है, वजह क्या हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाके पड़ेगा कि अच्छा तो इस प्रोडक्ट के साथ हमें ये कुछ मिल रहा है इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। ये ऐसे भी सर इस तरह भी तो हो सकती है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में 2000 करेक्टर लिख रहे हैं तो हम उसमें पूरा एक शॉर्ट ऐसे लिख देंगे ना उस प्रोडक्ट के बारे में, तो डिटेल आएगी, उसकी प्राइस भी इसमें आ जाएगी, उसके फीचर्स भी इसमें आ जाएंगे, उसके कलर्स भी आ जाएंगे, तो हम पूरी उसको डिफाइन कर रहे हैं ना, पूरी बता रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो सेम होगी। कलर्स भी हम उसमें मेंशन कर देंगे कि ये इसमें कलर्स हैं, इसकी प्राइस जो है कलर वाइज चेंज हो रही है, तो ये सारा सारी 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 चीज़ें उस लिहाज से देखा जाए तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन तो सेम हो जाएगी। फिर हम लोगों को अलग अलग डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों इतनी मगजमारी करें जी? सर ये सेम होगी सारी सर। जैसा कि आपने सर उस दिन टॉवल की एग्जांपल ली थी सर, तो टॉवल में जाते हैं सर, जो जो इलेक्ट्रिकल ब्लू है सर उसकी प्राइस और है, जो ब्राउन है उसकी प्राइस और है, जो बर्गंडी है उसकी प्राइस और है, तो हमें पता चला कि यार इनकी प्राइस चेंज क्यों है, तो जब हम डिस्क्रिप्शन में गए तो वहाँ से पता चला ना इनके तो फीचर्स भी अलग अलग हैं, इस वजह से इनकी प्राइस चेंज है। डिस्क्रिप्शन में जाके सर हमें डिटेल पता चली ना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे अलग अलग है। मुझे वो निकालने में मेरा चेक करता हूं। सेम होगी सर, जैसे अभी ये सामने ओपन किया है ना उसमें सर एक ही डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसमें काफी सारे कलर्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, मैं बता तो वो तो सेम ही है ना उस डिस्क्रिप्शन में। ये जो अच्छा जी, मैं कहीं और चल जाने लगा था। चलें, ये आपने मुझे बताया था कि ये है वो चीज़, ठीक है, इसी टॉवल की बात कर रहे थे जिसके ऊपर ये हमें ये प्राइसेस और ये सब कुछ डिफरेंट मिल रहा था, ठीक है ना जी सर? चलें अब मुझे बताइए कि आप लोग डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का नाम है, टेक्स्ट का नाम है, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट देख लें, ये हेडिंग, ये टेक्स्ट, ये हेडिंग और ये टेक्स्ट, बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, वॉश वॉश क्लोथ्स, ये हैं, ठीक है। चलें अब हम नीचे मॉड्यूल, ये वाले भी, ये भी टेम्पलेट लगा हुआ है इसको, ये भी लगा हुआ है, ये भी तीन पिक्चर्स वाला लगा हुआ है, चेक इट हेडिंग्स, ठीक है। अच्छा जी, अब वापस चलते हैं और हम थे इस वाले कलर पे और हम ज़रा इस पे जाते हैं, आए जी वापस जी। अब बुलेट पॉइंट्स चेंज हो गया, टाइटल चेंज हो गया, इसने हर प्रोडक्ट का अलग ही टाइटल दिया हुआ है, डजंट मैटर। हम आते हैं डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर रहे हैं उस पे चलते हैं। और भाई कहाँ गई हमारी डिस्क्रिप्शन? लो जी, इसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं,
रुको जरा कोई और आइटम देखते हैं। चलें ये 20 की थी, चलें एक आठ डॉलर का फर्क है बल्कि ये ब्राउन 44 डॉलर का है, इस पे चलते हैं। अच्छा जी ब्राउन कलर है और हमारे पास नेट की वजह से ना लोड नहीं हो रही अभी, सुबह तो हो गई थी सर। इंटरनेट का जी हर जगह ही प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं जी क्या करें, मुझे लगता है नजर लग गई है, इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा नेट तो एक दो सभी के नेट को आज नजर लग गई है, पीटीसीएल का और ये जो से क्या कहते हैं नेटवर्क का भी जायज का डर इन का सारे स्लो है। हाँ जी ये देखें जरा, अगर इसको हम देखें ये आ गई है। अच्छा देखें अब ये वाइट कलर में आई है मेरे पास, ये टेक्स्ट हमने आगे जरा व्यू किया था, देखें ये टेक्स्ट हेडिंग, ये सारा कुछ, ये साइजेस नीचे सेम मॉडल्स, सारा कुछ सेम विदाउट इमेज, यानी इमेज को छोड़ के क्या डिस्क्रिप्शन सेम नहीं है? डिस्क्रिप्शन सेम रहती है। देखें कैसे, ये टॉवल है ना, टॉवल का काम है पानी को खुश्क करना। अब ये कलर चेंज है, ये भी अच्छा किया है, इसमें एक और भी तरीका हो सकता था कि एक ही ग्रुप पिक्चर लगा देता यहाँ पे, ख़त्म बात, एक वही सारी डिस्क्रिप्शन लगा दी उसने हर जगह, लेकिन उसने नहीं किया, बड़ा अच्छा किया उसने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया कि हर बंदा जब पढ़ा ना तो उसे लगेगा ऐसे कि नई डिस्क्रिप्शन पढ़ो, हालांकि वही होगी, वो कलर चेंज है सिर्फ, उसने उसी पिक्चर देखें वही मेन थीम है सारी, सिर्फ ये उसने एडिट किया हुआ है, सिर्फ वो जो कलर है वो उसने चेंज किया हुआ, बाकी टोटल ए टू जी वही है, कोई चेंजिंग ही नहीं आई इसमें, हर एक एक आइटम चेंज उसने नहीं की। अब बात है प्राइस की, भाई प्राइस चेंज हो ना क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में तो प्राइस देनी नहीं है हमने, डिस्क्रिप्शन में तो प्राइस से ताल्लुक ही नहीं है। अब अगर हम कल को डिस्काउंट लगा देते हैं तो क्या हम डिस्क्रिप्शन में भी आके उसको डिस्काउंट का बताएंगे? हम कल को कोई डील लगाते हैं तो क्या डील हम डिस्क्रिप्शन में आके उसे बताएंगे? कभी भी नहीं बताएंगे। डिस्क्रिप्शन का प्राइस क्वांटिटी, सर आ रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन का प्राइस क्वांटिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये एक ओवरऑल बात होती है और जनरल बात होती है, एक जनरल फीचर्स की बता रहे होते हैं, उसमें क्वालिटीज बता रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो है ना बात बुलेट पॉइंट्स पे आ सकती है आप, ठीक है। और हाँ ये क्वेश्चन के अगर ये यानी ओपिनियन के फीचर चेंज है अगर, जैसा कि आपका देखें, अब मिसाल देखें, ये इसमें तीन कलर हैं स्मॉल मीडियम लार्ज, क्या ये मुमकिन है कि स्मॉल साइज में एक और फीचर हो और लार्ज साइज में एक और फीचर हो? अगर तो फीचर चेंज हो गया, यानी कि जैसे कि हम मिसाल के तौर पे हमने मग्स की बात की है तो हम कहते हैं भाई बिल्कुल चेंज है, एक मग स्टेनलेस स्टील है, एक सेरेमिक है और एक प्लास्टिक का मग है, तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये हो गया ना तो फिर पहले तो पेरेंट ही चेंज करो उनका, ये वेरिएशन अलग हो गई है, पहले तो फिर वेरिएशन अलग होगी उसके बाद अगली बात आएगी, तो प्रोडक्ट चेंज नहीं है, प्रोडक्ट सेम है। अगर तो उसमें बाकायदा तौर पर कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है आपने, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है या कुछ इस तरह का है, तो उस जस्ट एक पार्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर। लेकिन टॉवल है, ये टॉवल इसमें सेम, कोई इसमें इतना मसला नहीं है, और ज़रा सी अगर कोई चीज़ है तो वो आपने वहाँ पर ही देनी है, यहाँ पर आके यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आप चेंज कर सकते हैं। फिर मैं अगली बात ये करूँगा, ये हर बंदा नहीं करता, ये कंटेंट राइटर करके दे रहा होता है तो इसे पेड होता है, आप प्राइसेस हर हफ्ते चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स चेंज नहीं कर सकते, ये आपको एक्सपेंस पड़ेगा, तो कस्टमर आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि भाई तुमने पहले क्या बनवाया था कि रोज़ाना मेरे से कंटेंट राइटर के पैसे जा रहे हैं, क्या तुमने इस काम के लिए मैंने रखा हुआ है? तो ये इस तरह नहीं होता, हमने एक ही मरतबा डिस्क्रिप्शन बनवानी है, एक ही मरतबा बुलेट पॉइंट्स बनवाने हैं, अच्छे से सोच के चाहे खुद बनाएं या किसी से करें, तो हम उसको एक ही मरतबा लगाते हैं और उसे हम लेके चलते हैं। मोस्टली प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो उनके बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम होते हैं। अब ये देखें, ये इसके पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, और मैं अब अगर इसमें इस कलर में जाता हूँ
मुझे बताएं यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आई। हाँ यहाँ पे एक दो चेंज हो रहे हैं, इसमें साइजेस डिफरेंट आ रहे हैं, तो जो जो छोटा छोटा चेंज है वो उसने अकॉर्डिंग टू दैट किया होगा, लेकिन ओवरऑल सब सेम है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये चेंज थे, अब इसका उसने किया, लेकिन डिस्क्रिप्शन सेम होगी अगर इसने दी हुई है। लेकिन ये इसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है 2000 करेक्टर की पैराग्राफ लिख के, अब मैं इस साइज में, और चेंजिंग किस में आई थी, इस वाले में आई थी। लेकिन डिस्क्रिप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो सारों को एक ही जगह पर कर रहा है, वो हर चीज को एक ही जगह पर उसने एक्सप्लेन करना है। उसने ये नहीं कहना कि स्मॉल वाला जो है वो लार्ज वाले से ज्यादा बेटर है, लार्ज वाला मीडियम वाले से ज्यादा बेटर है, मीडियम वाला दोनों से फारग है, ऐसा नहीं होता। उसने ओवरऑल एक टॉवल की क्वालिटी आपको एक्सप्लेन करनी है, तो वो एक जनरल बात होती है, इसलिए वो सेम ही रहेगी। तो मदर भाई क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? सर मेरा एक क्वेश्चन तो ये था ना कि बुलेट पॉइंट्स भी तो सर डिस्क्रिप्शन में ही आते हैं सर, वहाँ चेंजिंग कर देते हैं सर। डिस्क्रिप्शन अलग चीज है, बुलेट पॉइंट्स अलग चीज है, ये और चीज है, वो और चीज। डिस्क्रिप्शन किसी को भी बोलेंगे तो वो अलग समझेगा, वो कहेगा ये डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है जो ये लिखी हुई है, 2000 करेक्टर। ठीक हो गया सर। एक और चीज सर, सर डिस्क्रिप्शन में जो सर हमने पढ़ा था उस वक्त कि हम इसको बुलेट्स पॉइंट्स में भी लिख लेते हैं, तो बुलेट्स पॉइंट्स में सब लिखते हैं तो फिर वो तो डिस्क्रिप्शन ही नहीं होगी सर। नहीं नहीं यार, डिस्क्रिप्शन कंफ्यूज कर दिया। अच्छा मैं बता दूं, बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखते, बुलेट पॉइंट्स की तरह लिखते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं उसको, समझ आई है? ये बुलेट पॉइंट्स जो है ना फीचर है, जस्ट छोटी छोटी बात है ये, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट बात हम यहाँ पे कर उसे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, कि एक चंद अल्फाज में बड़ी बात कर जाना। जी हम अपनी डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बनाने के लिए बुलेट्स में चेंज कर देते हैं, वरना हमारी बात तो वही होती है। हाँ जी बात तो वही है, आप ये कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन का बुलेट पॉइंट्स का एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन में किया होता हमने। यस सर। वो जो आपने एक और बात की थी कि हमारा क्लाइंट है वो कहेगा कि आप बार बार डिस्क्रिप्शन चेंज करवा रहे हैं, कंटेंट राइट करवा रहे हैं, या बुलेट पॉइंट चेंज करवा रहे हैं, क्यों चेंज करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगवा रहे हैं, तो ये भी तो होगा ना सर, जब अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस लाएगा तो फिर हम उसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि जब आपकी प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं आप, तो जाहिर बात है फिर डिस्क्रिप्शन भी में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, इसको भी सर नो लिखना पड़ेगा। अगर तो प्रोडक्ट ही चेंज कर रहा है फिर तो बनता है ना, वो तो एक अलग इशू। नहीं मकसद कहने का सर, अगर कलर के हिसाब से जैसे ये इसमें टॉवल्स में है सर, कुछ के अंदर उसने बाथ सेट में 8 पीसेस दिए हुए हैं, कुछ के अंदर 6 पीसेस दिए हुए हैं, तो फिर उसको तो हम कहेंगे ना भाई जब आप या तो 8 पीसेस की मुकम्मल एक जैसी वेरिएशन बनाओ, या अगर आप बीच में चेंज कर रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर जाहिर बात है आप डिस्क्रिप्शन में ये भी नहीं बताया जाता कि मैं इतने